बहुत दिनों बाद मेरे घर में आई हैं ढेर सारी खुशियां। तो इस खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए मैंने आज बनाने वाली हूँ, ये देख लीजिए, बढ़िया बेसन और पालक का चिल्ला बन रहा है। चिल्ले के साथ इसकी बहुत ही मस्त सी मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। होली से पहले हमारे घर में पापड़ तल गया, देख लीजिए। आजा नन्ना मुन्ना राही, तू बाबू है, फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए। आज चाय होता है ना मजा आ जाता है, लेकिन जब प्रेगनेंसी है तो बस चाय नहीं पीनी मैं। चलिए, वाओ अमेजिंग। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी को वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग वीडियो में। तो आज मैं बहुत सारा खाने पीने का सामान बना रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कुछ अच्छा नहीं बनाया, दाल चावल न्यूट्रा की सब्जी खा खा के उब चुके थे। तो अभी देख लीजिए फ्रेंड, रात को भी पालक ही बनाई, अभी भी तो अभी थोड़ा हल्का मसाले वाली बना रही हूँ, थोड़ा अलग सा इसमें। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, इधर पालक चढ़ा हुआ है, गैस जल रहा है, और इधर मैंने पालक कट करके भी रख रखा है, इसकी मैं बनाऊंगी पालक की पकौड़ी। और यहाँ पे लहसुन वगैरह छील के रख रखा है। हाँ रफीक को पकौड़ी पसंद, थोड़ा फीवर भी आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा चलो बाबू के लिए कुछ। ये देखिए फूल गोभी, और आज मैं बनाऊंगी गोभी के पराठे। तो चलिए व्लॉग में बनी रही, इंजॉयमेंट करती रही। फटाफट गोभी वगैरह कट करते हैं, फिर कद्दूकस करते फिर आप लोगों को दिखाते हैं आज मैं गोभी के पराठे वगैरह कैसे कैसे क्या क्या बनाती हूँ। चलिए व्लॉग में बने रहिए। देख सकते हो कढ़ाई चढ़ा दिया मैंने, और गोभी और गाजर को कद्दूकस कर लिया है। गाजर भी डाला मैंने, एक ज्यादा नहीं डाला। और इसमें मैंने कर लहसुन अदरक और हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है, मतलब कि पीस दिया ऐसा छोटा छोटा हो जाए। और यहाँ पे हरी धनिया मैंने धुल के रख दिया है। कढ़ाई फाइनली गर्म हो चुकी है, चलिए पहले इसमें तड़के का सामान रेडी करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं मैंने क्या क्या डाला है। ये मेरा जो गोभी का मटेरियल है देख सकते हैं आप लोग, रेडी है। और इसमें मैं डाल रही हूँ हरी धनिया, गोभी और एक गाजर डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, बस ऐसे ही। तो इसमें अभी मैं कट करके डाल रही हूँ हरी धनिया। बढ़िया पालक की सब्जी हमारी बन चुकी है, दिखाते हैं आप लोगों को। धनिया डाल दिया है मैंने, और ये देख लीजिए आप लोग गर्मा गर्म पालक की सब्जी, ये देखिए जो कि टमाटर वगैरह डाल के बनाई हुई है। और इधर मेरा आटा गूंदा हुआ है, अब बनाते हैं पराठा। तो थोड़ा धनिया वगैरह मिला लेते हैं अच्छे से, चलिए फिर पराठा बनाने लगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली किचन में आ चुके हैं, और तवा चढ़ा देते हैं पहले गर्म होने के लिए, बढ़िया मस्त। उसके बाद फिर आप ये देखिए बहन, तवा हमारा फाइनली चल गया है। हाँ, और ये देखिए गोभी जो भी मैंने पका लिया, बढ़िया अच्छे से भाप भी निकल रहा है, हरी धनिया मिक्स कर दिया है मैंने इसमें। और इधर मैंने लोई बनाई, इसको बेल रही हूँ मैं हाथों से, ऐसे ऐसे करके नहीं बनाती। और आटा गूंदा जो कि मैंने आप लोग को दिखाई दिया था, भी फटाफट हम बेल लेते। बेटू फोन गिरेगा, हिलाना नहीं ला रहा है, बैठ यहाँ पे, यही बैठ जा, मम्मा चीज बना रही है, मम्मा चीज बना रही है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, फाइनली रोटी जैसा बना लिया है। अब इसमें जो मैंने गोभी को फ्राई करके बनाया था, ये देख लीजिए इसमें ऐसे करके भर देते हैं, बढ़िया मस्त तरीके से। इनमें तो फ्रेंड परोठे बनाए थे आप लोगों ने देखा ही, तो बहुत दिनों बाद मेरे घर में आई हैं ढेर सारी खुशियां। तो इस खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए मैंने आज बनाने वाली हूँ, ये देख लीजिए, बढ़िया बेसन और पालक का चिल्ला बन रहा है। चिल्ले के साथ इसकी बहुत ही मस्त सी मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत खुशी की बात और पहली बार बना रही हूँ। चलिए पहले इसको हम कर लेते हैं सेट, उसके बाद आप लोगों से मिल। तू बाबू है, तू बाबू, तो फ्रेंड देखिए जरा इसको देख लीजिए कैसे कर रहा है। बाबू ओ बाबू, निन्नी करा दे तू मुझे, बाबू निन्नी करा दे, मामा को निन्नी करा दे। ओ देख सकते हो चुका है दोपहर का टाइम। आज दो दिनों से हमारे यहाँ पे हो रही बारिश, जो कि अभी मैं बारिश भी आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि काफी तेज हो रही है। लेकिन उससे पहले हम, क्योंकि दोपहर को खाना होता है दवा, तो अभी देख लीजिए फ्रेंड खा रही हूँ पराठे, दाल भरे पराठे बनाए थे।
आज 2-3 दिनों से पराठे पराठे सब यही बन रहा है, अभी वहाँ बना हुआ रखा भी है। और ये चने की दाल के पराठे बनाए थे क्योंकि हमें खाना होता है दवा, जो कि आप सभी को पता होगा, जो खाते होंगे उन्हें पता ही होगा, जो नहीं खाते होंगे प्रेगनेंसी में जो खाई जाती है। और अपनी इधर बैठा हुआ मुँह देखा, मम्मी का वीडियो खत्म करे मुझे खिलाए। चलिए बहन खावा लेते दवा। हाँ, कुछ हो गया मुँह में, बता रहा है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ये देखिए मुँह में कुछ बताया। चलिए बहन रपी तो पानी पिला दे, फिर आप लोगों से। अभी फैन देख के निकली हूँ घर से बाहर, अभी जाके धूप निकला, इतनी ज्यादा बारिश हुई। आपको इसके हिसाब से लग रहा है, इसके हिसाब से नहीं लग रहा है, बाहर के हिसाब से तो लग ही रहा होगा। देखो काफी बारिश हुई है, ये देखो पानी पुनी भर रखा है हमारे यहाँ पे पूरा, बहुत बारिश हुई थी आज 2-3 दिनों से हो रही। इसको देखो ये वाइपर मारने वाला बन चुका है। अभी जो भी हो जा रहे थे फैन घर में सारा काम वाम करने। देखो ये मेरी घर की कंडीशन है कुछ ऐसी, तो किचन कुचन जब देखो फ्रेंड ऐसे हालातों में ना ऐसा ही बुरा हाल हो जाता है घर का कि बताने। नौरा प्रीत इधर आ, गिरेगा, चल वाइपर रख। क्या ऐसी हालत में ऐसा हाल हो जाता ना घर का बारिश में। तो अभी बारिश बंद हुई, चलिए फटाफट फ्रेंड अपने घर को क्लीन अप करते हैं, घर को एकदम साफ सुथरा करते हैं। बहुत गंदा घर हो गया बहुत ही ज्यादा, और बेड वेड भी रपरीत ना वॉशरूम वगैरह के ना स्मेल सी भी बहुत ही ज्यादा आ रही गंदी सी। फटाफट करते हैं साफ सफाई घर की और इधर भी साफ सुथरा करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं घर को क्लीन अप करने के बाद। शाम हो चुकी है एकदम जैसे उजाला लग रहा है, लेकिन हो चुकी है शाम, बज रहे हैं 6:45। यहाँ पे देख लो हम क्या कर रहे हैं, बॉटल भर रहे हैं पानी, पूरा इतना बुरा हाल है कि बता नहीं सकता। इसको देख लो ठंड में इसने इतना परेशान कर रखा है, ये देख लो भर गया ठट ठट ठट। चलिए फ्रेंड्स पानी वगैरह भरते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि पानी के पास तो फ़ोन रख नहीं सकते, बहुत बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि बता नहीं सकते। और अब ये देख लो घर को साफ ऑफ करके गए हैं, इतने कपड़े इकट्ठे, पूरा इसमें ठांस रखा मैंने, पूरा का पूरा कपड़ा इकट्ठा हो गया है। और ये जो है पूरा काम बढ़ाने में, और पता नहीं बोतलों का ढक्कन क्या कर डालता है, ढक्कन नहीं है घर में। चलिए फैन थोड़ा पानी वगैरह भर लें, फिर आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि काम इतना ज्यादा। ये देखिए मेरा काम बढ़ाता है, कुछ और थोड़ा ना करता है, हंस रहा है गुन्ना राम। चलिए फ्रेंड्स पानी वगैरह भरते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली सारा काम करके घर के अंदर आ चुकी हूँ, इधर देखिए पूरा किचन वगैरह क्लीन अप हो गया, और ढेर सारे बर्तन मैंने धुला, ये देख लो आप लोग बर्तन, ये जितना बर्तन सारा का सारा मैंने धुला है। और इधर बेड वगैरह पूरा सेट हो गया, इधर भी सारा कुछ सेट वेट करके रख दिया है। और एक भगवान जी बच गए, जो कि ना पूजा हुई है ना सेट किया है, भगवान जी को आए थे तभी किए थे, उसके बाद से तो किया ही नहीं। और एक ये हमारे वहाँ से मेरे बेटे भी हैं, जो कि लगे हुए हैं अपने काम में, इतना परेशान करता जिसका कोई हिसाब नहीं, बहुत बुरा रख दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स पहले तो मैंने कपड़े चेंज करा, क्योंकि जो कपड़े पहन रखी थी ना वो गीले हो गए। तो ये देख लीजिए यहाँ चढ़ा रखा है तेल गरम में, और इतना सा है पापड़, आलू का है, वाह बड़ा मन कर रहा था, होली आ रही ना होली, बढ़िया पापड़ खाओ। और ये देखिए कैसे ड्राई फ्रूट मुंह में इतना भर रखा है, ठूंसे जा रहा है जैसे लग रहा है पहली बार खा रही है। तो अभी इसको इसमें डाल देते थे, पता नहीं तेल हो गया, पक गया, एक ही डाला था मैंने, बाबू गिरेगा, उधर ही रहे, मम्मा तल रही है ना तब देगी, अभी थोड़ा और गर्म होगा। ओए होए देखो देखो इसकी एक्साइटमेंट तो देखो, बैठ जा आराम से बैठ, तेल मम्मा देगी, ऐसा नहीं कि नहीं देगी, माँ के लिए सबसे पहले बच्चा होता है कि नहीं जान। ये आहा, ये देखो फैन, ये अरे गिर गया, जल जाएगा ये तो। होली में तो बहुत कुछ मैंने सोच रखा है फ्रेंड्स बनाने के लिए, लेकिन अब देखिए क्या होता है, बनाती भी होंगी नहीं, क्योंकि मैं जब पहली बार आई थी ना यहाँ पे, पहले रोहन मुझे लेके आया था यहाँ पे, तभी मैं हर होली सोचती जो मेरे घर में मेरी मम्मी बनाती थी मैं वो सब कुछ यहाँ पे बनाऊँ खाऊँ, लेकिन फिर लास्ट में क्या था, कहते हम दो लोग हैं कितना खाएंगे, रहने इतना ऑयली मत बनाओ, मैं भी नहीं खाता तुम भी, मेरे को भी नहीं ज़्यादा ऑयली खाने देते थे, बस यही सब सोच के फिर नहीं बनाती थी। लेकिन अब क्या, अब तो है ही नहीं, अभी हमारे साथ
अब आने वाले टाइम के बारे में तो नहीं पता, देख लीजिए पापड़ फटाफट तल रही हैं। चलिए पापड़ वगैरह तलते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए बाय, सुन लिया आप लोगों ने आवाज़, उधर से बाय की आवाज़ आ जाएगी, बाय। देखा हाँ, ये देखो पापड़ तलने का अंदाज ही अलग है। चलिए फ्रेंड मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स होली से पहले हमारे घर में पापड़ तल गया, देख लीजिए। आ जा नंदा मिना रही उधर, आप पीछे सा आराम से गिरियो मत। आ जा लग जा माँ बेटा फटाफट। फ्रेंड देखिए वो कहने का मेरे पति रोहन थे तो खुशियाँ ज़्यादा थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन वो जो 24 घंटे किचकिच से ना घर में कभी भवन से नहीं होता, कहने का मतलब वही चीज़ लिखा तो वही चीजें थी। फैन देखिए ऐसा नहीं कि जिस घर में पति पत्नी हो तो क्या खुशियां नहीं होती, बच्चे नहीं, सब कुछ होता है खुशी, लेकिन जब वही नहीं रहना चाहता तो कुछ तो हम क्या कर सकते हैं। खैर चलिए इस टॉपिक रख के साइड में, पापड़ खा के टेस्ट बताते हैं। वाओ अमेजिंग, सिट सिट बेटू बैठ जा बैठ जा, सही बोला। अरे फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए, आज चाय होता है ना मजा आ जाता है, लेकिन जब प्रेगनेंसी है तो बस चाय नहीं पीनूँ मैं। चलिए खा लेते पापड़ों पर, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी फ्रेंड्स खाना वगैरह तो खा लिया और बाबू देख लो सो गया, देखो शॉल वॉल ऑर्डर रखा है देखो, और अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रही, इतना ज़्यादा नींद आ रहा ना, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, मन तो नहीं करता कुछ काम करूं, मन करे जल्दी से सो जाऊं, जल्दी सो जाऊं, लेकिन आप लोगों से बातें ना हो तो दिन ही नहीं ख़त्म होता था। और बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोगों का कि ये कमेंट आ रहा था कि प्रिया दी आप पे नोज पिन बहुत अच्छा लग रहा था, आप पहना करो। थैंक यू सो मच, आप लोगों की हिम्मत से ही हमें हिम्मत है, मेरा भी मन करता फिर पहनने का, तो मुझे भी ऐसा एहसास होता है कि अच्छा लग रहा है। और फैन थोड़ा सा ना चेहरा भी थोड़ा ग्लो करे, अच्छा लगे, तो आपको पता है उस बीच काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान रहती थी फेस को लेके कि मतलब पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया मेरे चेहरे में। अब जब से प्रेगनेंसी आई थोड़ा थ्रेडिंग वगैरह भी बनवाया, देख लो आप लोग देख के लग रहा है कि नहीं सही, थोड़ा अपने आप को मेनटेन रखो ना तो सही लगता है। अब तो ईयरबड्स लगा रखी हूँ देख लो आप, मैं वीडियो एडिटिंग करी जो भी हो, लेट भी हो, खाना वगैरह खा लिया, जो भी बनाया बनाया खाया, अब जा रही हूँ सोने के लिए। आप सभी को गुड नाइट, बाय, लव यू ऑल। और जाने से पहले मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग विजिट जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी है रप्रीत प्रिया 7270, जाके फॉलो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। काफ़ी ज़्यादा नींद, इस सूट कैसा लग रहा है बताना आप लोग। अच्छा लग रहा है बट पता है बहुत ढीला सा, मतलब घर में पहनने के लिए बहुत कंफर्टेबल है। मेन बात जब भी मैं काम वगैरह करती हूँ कुछ भी, तो मेरे कपड़े ना बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं, फिर नीचे से प्लाजो भी गीला, सूट भी गीला, क्योंकि नीचे बैठ कर उधर बर्तन धोती हूँ, फिर पोछा मारो तो गंदा हो जाता, वो गंदा के गीले हो जाते, पानी छिट्टे पड़ पड़ के, इसलिए ना चेंज करना पड़ता। और आप लोग एक चीज़ बताएं, इसमें ना आज तो बहुत बारिश हुई, कल परसों से ही बारिश हो रही है, परसों बनाया था गोभी के पराठे, कल क्या बना था, कल बनी थी खिचड़ी, और आज बना चने की दाल के पराठे बनाए, मतलब वैसे खाने में तो कोई कसर नहीं रखती हूँ, खाने पीने में तो पूरा फुल खाती पीती हूँ, कोई टेंशन नहीं है, बस ये कि थोड़ा अपना सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में सेहत का ध्यान रखेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी, समझ सकते आप लोग फ्रेंड। खैर अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखती हूँ, और बस आप लोगों का दुआ कृपा चाहिए और कुछ नहीं। चलिए इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे, सभी को बाय बाय, लव यू, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ। तो जो हमारे चैनल पर नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कर दें, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रप्रीत प्रिया 7270 के फॉलो लाइक कमेंट शेयर करें। बाय।